और मुझसे आप बोले अगर कि बताइए दुष्यंत जी क्या मिजाज है, तो मैं कहूंगा मिजाज वही है जो घर के बाहर है। 46-48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, गर्मी बहुत ज्यादा है, और जब गर्मी आती है तो अक्सर हम उम्मीद करते हैं मौसम मिजाज बदलेगा, और अब ये मौसम कुछ और लेकर आएगा। तो आपके न्यू ज्वाइनिंग के ऑप्शन, आपके पावरफुल लॉयल्टी के ऑप्शन के साथ, आपके बढ़ती हुई टीम की ज्वाइनिंग के साथ, मोदी केयर अब आपके लिए एक मॉनसून बोनांजा लेकर आया है। और ये मॉनसून बोनांजा किसी एक के लिए नहीं है, बारिश कभी किसी एक के लिए नहीं होती, सबके लिए होती है। तो ये बारिश समीर सर ने कर दिया पूरे मोदी केयर के ऊपर। यहाँ बेस लेवल से लेकर टॉप लेवल टाइटल तक सबकी आजादी एक स्ट्रेट हो। और आजादी आजादी हमारा वो सिंगल प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आप और हम काम करते हैं। आपका ड्रीम इनकम, आपका रोकड़ा प्लान, आप जो रुपया कमाना चाहते हैं, जो आपका प्लान, जो आपका ड्रीम है, वो अब आपका और जल्दी मिलेगा। मॉनसून बोनांजा से वो काम अब आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो क्या है इस मॉनसून बोनांजा में और क्या इसका पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, आइए हम आपको बताते हैं। तो जैसा हमने आपसे कहा, मॉनसून बोनांजा एक्सलेटेड सक्सेस, एक्सलेटेड आजादी। अच्छा, एक्सलेशन कब आता है, कोई काम जल्दी कब होता है, जब दो लोग मिलकर पार्टनरशिप करते हो। अब यहां देखिए, मैंने आपको प्रोजेक्शन में दिखाया है, पिक्चर देख सकते हैं आप राइट साइड में, तीन लोग मिलकर कुछ कोशिश कर रहे हैं, ग्रोथ ग्रोथ चार्ट है, ग्रोथ का काम कर रहे हैं, अकेले नहीं कर रहे हैं, तीन लोग मिलकर कर रहे हैं। जब एक काम को ज्यादा लोग मिलकर करते हैं और अपनी अपनी सक्सेस के लिए करते हैं, तो काम आसान हो जाता है। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम चाहते हैं जुलाई का महीना आपकी आजादी का बिगेस्ट मंथ बने। आज तक का हाईएस्ट इनकम आपका इस महीने में जुलाई में आया, और ये होगा, ये पॉसिबल होगा, क्योंकि इस प्लान में आपका जो चेक बढ़ेगा वो बेस लेवल से लेकर लीडरशिप लेवल तक सबका बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, आइए उसकी बात करते हैं। देखिए, हम आपको यहां पर दो प्रोग्राम देंगे, आपको दोनों प्रोग्राम समझने हैं और अपने सूटेबल प्लान पर काम करना है। प्लान नंबर वन उनके लिए है जिनका बेस टाइटल अप्रैल के महीने में डायरेक्टर या सीनियर डायरेक्टर था, ये उनके लिए प्रोग्राम काम करेगा। तो प्रोग्राम नंबर वन क्या कहता है, ये प्योर पीजी पीवी ग्रुप ग्रोथ का प्रमोशन है, यानी डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर का जो भी नॉन 16% लैक का ग्रुप है, 16% लैक के अलावा जो ग्रुप है, वो जो वॉल्यूम होगा वो आपका प्योर पीजी बीवी वॉल्यूम होगा, ये उसका प्रोग्राम है। पीजी बीवी हम सब जानते हैं, जितना हम ग्रो करते हैं उतना हमारा इनकम बढ़ता है। हमारे प्लान में पीजी बीवी जितना आप ड्राइव करेंगे उतना आपका रुपया बढ़ेगा, लेकिन इस बार आपका पीजी बीवी जब आप ग्रो करेंगे, बढ़ाएंगे, तो आपको पूल की इनकम के साथ साथ इंसेंटिव भी मिलेगा, और बहुत ही पावरफुल इंसेंटिव मिलेगा। कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, वो सभी कंसल्टेंट, वो सभी लीडर जिनका टाइटल अप्रैल 21 में सीनियर डायरेक्टर या उससे नीचे रहा था। तो सीनियर डायरेक्टर हो सकते हैं अप्रैल में, डायरेक्टर हो सकते हैं, 16% या एनक्यूडी हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, कोई भी लीडर जिनका टाइटल अप्रैल 21 में सीनियर डायरेक्टर या उसके नीचे था। और साथ ही वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने मई में ज्वाइन किया है, जून में ज्वाइन किया है। और सबसे अच्छी खुशी की बात है, जो लोग आज ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और आज ज्वाइन करेंगे, वो भी इसके अंदर हिस्सेदारी कर सकते हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। करना क्या होगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपका टाइटल अप्रैल 21 में एसडी या उससे नीचे था, तो जो भी आपका बेस टाइटल था, अगर आप उसको मेंटेन करते हैं या डायरेक्टर करते हैं, यानी आपका अप्रैल में टाइटल डायरेक्टर या उससे नीचे था, आपने डायरेक्टर क्वालिफिकेशन क्वालिफाई कर लिया, और इस बार डायरेक्टर आपने 45,000 पीजी बीवी के साथ किया, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इस पूल में क्वालिफाई करेंगे, इस क्वालिफिकेशन में क्वालिफाई करेंगे। तो अगर मैं डायरेक्टर मेंटेन करता हूं, जो कि अप्रैल में मेरा हाईएस्ट टाइटल था,
45,000 पीजीबीवी के साथ करता हूं, तो मुझे जो मेरा पूल का इनकम आएगा वो तो आएगा ही, 4,000 रुपए कैश इंसेंटिव आए। अगर मैं इस महीने सीनियर डायरेक्टर मेंटेन करता और सीनियर डायरेक्टर में मैं अपना पीजीबीवी 40,000 मेंटेन करता हूं, तो जो मेरा इनकम आएगा वो प्लान का इनकम तो आएगा ही, साथ में मुझे 5,000 रुपए का कैश अवार्ड भी मिलेगा जो एक कैश इंसेंटिव होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए इसको और थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं। मान लीजिए अप्रैल 21 में मेरा टाइटल 13% था, मैं जुलाई में डायरेक्टर बन जाता हूं और 45,000 का पीजीबीवी मेंटेन कर लेता हूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं क्वालिफाई करूंगा और 4,000 रुपए मुझे मिलेंगे। मैं एनक्यूटी 16% था, अब मैं डायरेक्टर करता हूं जुलाई में, 50,000 पीजीबीवी कर लेता हूं तो भी मैं क्वालिफाई करूंगा। मैं अप्रैल में डायरेक्टर था, फिर डायरेक्टर मेंटेन कर लेता हूं लेकिन 45,000 पीजीबीवी मिनिमम मेंटेन करता हूं, फिर क्वालिफाई करूंगा 4,000 रुपीस। मैं अप्रैल 21 में डायरेक्टर था और जुलाई में मैं प्रोग्रेशन करके अपने आप को सीनियर डायरेक्टर बनाता हूं, जो ज्यादा होगा इस महीने, मैं आपको बताऊंगा कारण क्या है, ज्यादातर डायरेक्टर इस महीने सीनियर डायरेक्टर बनेंगे। जब आप ऐसा करेंगे, चूंकि आपने प्रोग्रेशन किया है और 45,000 पीजीबीवी मेंटेन किया है, आप 5,000 रुपए के इंसेंटिव के हकदार होंगे। मैं अप्रैल 21 में सीनियर डायरेक्टर था लेकिन मैं जुलाई में डायरेक्टर बन जाता हूं और पीजीबीवी 45,000 मेंटेन कर लेता हूं, क्या मैं क्वालिफाई करूंगा? आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप अपना बेस टाइटल मेंटेन नहीं कर रहे हैं, डीग्रो कर लेते हैं। आपको अपना टाइटल या तो मेंटेन करना है या ग्रो करना है, और दो ही कैटेगरी पर आप जाकर इंसेंटिव क्वालिफाई करेंगे, या तो डायरेक्टर विद 45,000 पीजीबीवी या सीनियर डायरेक्टर विद 40,000 पीजीबीवी। मैं प्लेटिनम डायरेक्टर था अप्रैल में, मैं फिर प्लेटिनम डायरेक्टर मेंटेन करता हूं, 40,000 मेंटेन करता हूं पीजीबीवी, क्या मैं क्वालिफाई करूंगा? आप नहीं करेंगे क्योंकि प्रोग्राम वन में डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर के लिए प्रोग्राम है। मैं सीनियर डायरेक्टर था अप्रैल 21 में और अब मैं एसईडी कर लेता हूं और 40,000 पीजीबीवी मेंटेन कर लेता हूं, आप क्वालिफाई करेंगे क्योंकि आपने सीनियर डायरेक्टर से टाइटल प्रोग्रेस कर लिया है, आपको 5,000 मिलेगा। प्रेजिडेंशियल डायरेक्टर था, सीनियर डायरेक्टर बन जाता हूं, क्या क्वालिफाई करूंगा? नहीं करेंगे। एक तो प्रेजिडेंशियल डायरेक्टर के लिए प्रोग्राम वन है नहीं और दूसरा आपने डिग्रो भी करा हुआ है, तो ये सिंपल प्रोग्राम है। अब आप कहेंगे मैं समझ गया मुझे डायरेक्टर बनना है, मैं समझ गया मुझे एसडी बनना है, मैं ये भी समझ गया 45,000 पीजीबीवी करना है, मैं ये भी समझ गया हूं कि मुझे अगर एसडी करूंगा 40,000 पीजीबीवी करूंगा, क्वालिफाई भी कर लूंगा, इनकम में क्या फर्क आएगा, रुपया कैसे आएगा? आइए रुपये की बात करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जब हम डायरेक्टर बनते हैं, डायरेक्टर के लेवल पर सबसे बड़ा इनकम डायरेक्टर पूल से आता है, 6% डायरेक्टर पूल होता है। तो मान लीजिए गिवन सिनेरियो में अगर ये इंसेंटिव नहीं होता तो क्या होता, आप डायरेक्टर करते 45,000 पीजीबीवी करते, उस 45,000 पीजीबीवी के ऊपर 6% का डायरेक्टर पूल होता, डायरेक्टर का वैल्यू होता है, डायरेक्टर पूल का वैल्यू होता है 1.28, को लगभग 3,456 रुपए आप कमाते। लेकिन चूंकि ये इंसेंटिव आपकी सपोर्ट कर रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको वो 3,456 रुपए आपका प्लान का इनकम तो मिलेगा ही, साथ में 4,000 रुपए आपको कैश इंसेंटिव भी मिलेगा और आपका चेक बच जाएगा 7,456 रुपए जुलाई के महीने में। बताइए आपका इनकम 115% ग्रो कर जाएगा, डबल से ज्यादा इनकम है डायरेक्टर का, यह आपकी अपॉर्चुनिटी है। अब आप कहते हैं कि साहब मैं तो सीनियर डायरेक्टर बनना चाहता हूं, मैं जानता हूं जब मैं इस तरह की मीटिंग पहले भी कर रहा था तो लोगों ने बोला मुझे कि इस तरह के मॉनसून ऑफर में डायरेक्टर बनने का फायदा ही नहीं है, मेरी टीम में तो मैं 2-3 एनक्यूडी को जानता हूं जो डायरेक्टर बन सकते हैं 45,000 पीजीबीवी के साथ, दुष्यंत जी मैं एसडी बनूंगा अपना 40,000 पीजीबीवी करूंगा और अपनी टीम में नीचे किसी को डायरेक्टर करवाऊंगा 45,000 पीजीबीवी के साथ, बताइए इनकम में क्या फायदा होगा? आइए उसकी बात कर लेते हैं। आप सीनियर डायरेक्टर बनते हैं, 40,000 पीजीबीवी मेंटेन करते हैं, अपने नीचे किसी की मदद करके
उनको भी डायरेक्टर करवाते हैं 45,000 पीजीबीवी के साथ। अब आपको जो टीम बिल्डर बोनस है वो तो मिलेगा ही, जो टीम बिल्डर बोनस पहले आपको मिलता था 3,674 रुपए पार्ट ऑफ प्लान, वो तो मिलेगा ही, साथ में आपको 5,000 रुपए कैश अवार्ड मिलेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका टोटल चेक बन जाएगा 8,674 रुपए, जो कभी भी इस लेवल पर इतना नहीं होता इस पीजीपीवी के साथ, यानी 136% का इनकम ग्रोथ प्लान है आपके पास। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके पास लॉयल्टी एक्सप्रेस है, बढ़ती हुई ज्वाइनिंग्स है, लॉयल्टी के ज्यादा लोग हैं, और जब उन ज्यादा लोगों को आप लॉयल्टी पर ड्राइव करके अपने टाइटल प्लान करेंगे, डायरेक्टर या सीनियर डायरेक्टर प्लान करेंगे, इमेजिन कीजिए आपका इनकम 136% तक बढ़ जाएगा। हो गया जुलाई आपका बोनांजा, हो गया आपका मानसून बोनांजा, एंड यू विल मेक अ गुड मनी दिस मंथ। ये आपका प्रोग्राम वन है। प्रोग्राम वन उनके लिए है जो डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर प्लान करेंगे, लेकिन हम जानते हैं मोदी कैरियर है, और मोदी कैरियर में कुछ भी संभव है। हमने यहां पर 7% को सीनियर डायरेक्टर बनते हुए देखा अगले महीने। कमिटमेंट और जोश ऐसी चीज होती है, मोदी कैरियर में सब पॉसिबल, सब मुमकिन है। अब आप कहेंगे दुष्यंत जी छोड़िए डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर, हम तो इससे आगे का सोच रहे हैं, तो आइए इससे आगे की बात करते हैं। प्रोग्राम नंबर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से लेकर प्लेटिनम तक के लिए एप्लीकेबल है। ये किसके ऊपर काम करेगा? ये आपकी एलपीबी लैकी ग्रोथ के ऊपर काम करेगा। यानी अगर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, आप प्लेटिनम थे, कौन से महीने में? अप्रैल 21 में। और आप कहेंगे जी मैं तो 7% था, तो इसका एक और तरीका समझने का है, अगर आपका टाइटल अप्रैल 21 में प्लेटिनम या उससे नीचे कुछ भी था तो भी आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। करना क्या होगा? देखिए, आपको अपना एलपीबी लैग में ग्रोथ करना होगा। जो भी एलपीबी लैग आपके पास अप्रैल 21 में था, अगर आप उसमें 1 लाख का और इजाफा करेंगे तो हर एडिशनल एलपीबी लैग के ऊपर यू विल गेट 6,000 रुपीज, 6,000 रुपए पर लैग। और कितना आसान बन गया आपका एलपीबी लैग बनाना। हमने पीछे एग्जांपल देखा, कोई सीनियर डायरेक्टर है जो 40,000 पीजीबीवी कर अपना एसडी मेंटेन करते हैं, और अपने नीचे एक डाउनलाइन में किसी एक की मदद करके डायरेक्टर करवाते हैं 45,000 पीजीबीवी के साथ। ऐसे कॉम्बिनेशन में जब ऊपर एसडी होगा 40,000 पीजीबीवी होगा, उनके नीचे कोई डायरेक्टर होंगे 45,000 पीजीबीवी होगा, जब भी ये कॉम्बिनेशन आप अपनी टीम में बनाएंगे आपकी एलपीबी लैग बन जाएगी। तो एक एलपीबी लैग क्यों, आप तो 4 या 5 एलपीबी लैग सोचिए। और हर एलपीबी लैग पे जो आप इजाफा करेंगे, जो एडिशनल एलपीबी लैग आप बनाएंगे, हर एलपीबी लैग के ऊपर आपको 6,000 रुपीज पर लैग मिलेगा। यानी अगर अप्रैल 21 में मैं ईडी था, मेरे पास 1 एलपीबी लैग था, अगर आप इस महीने 1 और एलपीबी लैग एडिशनल बनाते हैं, 2 बनाते हैं, आपको 6,000 रुपए एडिशनल मिलेगा। 2 एलपीबी लैग बनाते हैं 12,000 मिलेगा। और मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो इस समय पर जीबीडी प्लान कर रहे हैं। हो सकता है आप डायरेक्टर हो, आप जीबीडी प्लान करें इस प्लान के साथ, पॉसिबल है। 14 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए जो एसडी कर सकते हैं और अपने नीचे कई डायरेक्टर निकाल सकते हैं। 14 लाख के ऊपर ऐसा करने की कोशिश कीजिए, हो सकता है आप कर पाए। बट इमेजिन कीजिए अगर ऐसा आप कर पाए, आप डायरेक्टर से जीबीडी बन जाते हैं, मान लीजिए ऐसा हो जाए तो क्या होगा? 14 लाख मल्टीप्लाई बाई 6,000 रुपीज एडिशनल इनकम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द मोस्ट पावरफुल प्रोग्राम एवर लॉन्च इन मोदी केयर, और किसी कंपनी की तो सोच भी नहीं सकता। इतना रुपया डाल दिया समीर सर ने इस प्लान के साथ। तो जो भी मेरा टाइटल अप्रैल 21 में था, और उस टाइटल को मेंटेन करना है मिनिमम, और एलपीबी लैग बढ़ाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप रुपया 6,000 रुपए पर लैग लेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। मैं अप्रैल 21 में 10% था, कोई एलपीबी लैग नहीं था। जुलाई 21 में मैं एसडी बन जाता हूं,
और एक एलपीबी लेग मेंटेन करता हूं, क्या मैं क्वालिफाई करूंगा? क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम टू में एंट्रेंस करने के लिए आपका टाइटल मिनिमम ईडी होना चाहिए, सीनियर डायरेक्टर और डायरेक्टर के लिए प्रोग्राम वन है। मैं 10% था April 21 में, और इस महीने जुलाई में मैं ईडी करता हूं एक एलपीबी लेग के साथ। तो चूंकि जब मैं 10% था, मेरी कोई एलपीबी लेग नहीं थी, आज मैं ईडी बनता हूं पहली बार, एक एलपीबी लेग लेकर आता हूं, तो आपको उस एलपीबी लेग पर एडिशनल 6,000 रुपीज मिलेगा। आप डायरेक्टर थे, कोई एलपीबी लेग नहीं था, एसईडी बन जाते हैं, एक एलपीबी लेग बनाते हैं, यू विल क्वालिफाई 6,000 रुपीज। आप ईडी थे, वही टाइटल मेंटेन करते हैं, ईडी मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन एलपीबी लेग बढ़ा लेते हैं, पहले एक थी अभी दो करते हैं इस महीने, तो एडिशनल 1 लाख के ऊपर आपको 6,000 मिलेगा। आप प्लेटिनम डायरेक्टर थे, 3 लाख था आपका, फिर मेंटेन प्लेटिनम ही कर रहे हैं, लेकिन 2 LPB लैग बढ़ा रहे हैं, तो दोनों एडिशनल एलपीबी लैग के ऊपर 12,000 रुपए आपको मिलेगा। ईडी थे, 2 LPB लैग थी, फिर ईडी करते हैं, 2 LPB लैग मेंटेन करते हैं, क्योंकि एलपीबी लैग में कोई ग्रोथ नहीं हुई है, कोई एडिशनल एलपीबी लैग नहीं है, आपको यहां पर इंसेंटिव क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आप एसईडी थे, 3 लाख थी, प्लेटिनम टाइटल प्रोग्रेस करते हैं, 4 LPB लैग बनाते हैं, 6,000 रुपीज एडिशनल लैग पर मिलेगा, एंड सो एंड सो फोर्थ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सच अ पावरफुल प्रोग्राम। अब आप कहेंगे कि साहब इसे रुपये का कैसे मामला होगा, रुपया कैसे बनेगा? आइए रुपया दिखा देते हैं। समीर मोदी आजादी पैनल लिमिटेड में अगर आपका टाइटल ईडी था और आपकी एक एलपीबी लैग थी, उस एलपीबी लैग से आपको 8,856 रुपए आता था। हम सब जानते हैं एलपीबी पॉइंट आता है 3690 मल्टीप्लाई बाई 2.4, एलपीबी का वैल्यू 8,856 रुपए आपके पास आता था। अब आपने क्या किया, इस महीने आपने वही टाइटल मेंटेन किया, वही ईडी टाइटल आपने मेंटेन किया, लेकिन आपने एक एडिशनल लैग के ऊपर वो काम किया जो आपको करना था और जो आप ज्यादा करेंगे भी। आपने एक एसडी की मदद करी और मान लिया ये एसडी 48,000 पीजीबीवी के साथ क्वालिफाई करते हैं, और ये एसडी अपने नीचे डायरेक्टर भी क्वालिफाई करवाते हैं विद 50,000 पीजीबीवी। जहां पहले इस प्लान में आपको 8,856 रुपए मिल रहे थे, इस महीने आपको ये इनकम 32,376 रुपए मिलेगी विद एडिशनल 6,000 कैश अवार्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, 269% ग्रोथ ऑफ द इनकम। इमेजिन कीजिए 8,000 से 32,000 रुपए। क्या क्या है, क्या ये है कि आपने अपनी टीम में राइजिंग स्टार की मदद करी है, एसडी के नीचे डायरेक्टर को भी क्वालिफाई करवाया है और एसडी को भी क्वालिफाई करवाया है। अगर आप ऐसा 1 लाख में करते हैं तो 32,000, 4 गुना रुपया। सोचिए अगर आप ऐसा 2 या 3 लाख में कर ले तो क्या हो, रुपया कितना बढ़ जाएगा आपका। तो खजाना है, रुपए का खजाना है मॉनसून ऑफर। एक और एग्जांपल देखते हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, मेरी 2 LPB लैग थी और दोनों एलपीबी लैग से मुझे 37,104 रुपए का इनकम आता था। इस महीने में 1 लाख एडिशनल करता हूं और एडिशनल लैग करने के लिए क्या करूंगा, किसी की मदद करूंगा एसडी क्वालिफाई करने में 48,000 पीजीबीवी के साथ, और नीचे एक डायरेक्टर भी क्वालिफाई करवाऊंगा 50,000 पीजीबीवी के साथ। जहां रुपया 37,104 बनता था, अभी 60,624 यानी 63% की ग्रोथ इनकम में आएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, सच अ पावरफुल प्रोग्राम, सच अ पावरफुल प्रोग्राम। इस तरीके से आपका रुपया बढ़ेगा। तो आपके पास सारी पावर है, लॉयल्टी एक्सप्रेस भी आपके पास है, डायरेक्टर एंड सीनियर डायरेक्टर के लिए भी आपके पास है। हम सब जानते हैं जितना ज्यादा लॉयल्टी लोग करते हैं उतना ज्यादा पीजीबीवी डायरेक्टर का बनता है, जितना ज्यादा डायरेक्टर का पीजीबीवी बनेगा उतना एसडी क्वालिफाई करेगा, और जहां टीम के अंदर एसडी और डायरेक्टर कॉम्बिनेशन क्वालिफाई करेगा आपकी एलपीबी लैग बन जाएगी। आपके पास पावरफुल लॉयल्टी एक्सप्रेस तो है ही, जुलाई के महीने में और धमाका करने के लिए हमने आपको एक और पावरफुल प्रोग्राम दिया है, यह है प्रोग्राम नंबर 3। प्रोग्राम नंबर 3 सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है, क्योंकि यह प्रोग्राम आपकी टीम के अंदर लॉयल्टी का फोर्स बढ़ा देगा, न्यू ज्वाइनिंग का फोर्स बढ़ा देगा। और प्रोग्राम क्या है, आइए समझते हैं। हर वो कंसल्टेंट लीडर, चाहे उनका लेवल 7% हो,
या उनका लेवल जीबीडी, या चाहे वो व्यक्ति हो जो आज इस मीटिंग में बैठे हैं और वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आज ज्वाइन कर रहे हैं या अभी ज्वाइन करेंगे, मोदी केयर परिवार का कोई भी कंसल्टेंट 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में अगर 50 PV करते हैं, मल्टीपल इनवॉइस में करते हैं, यानी हो सकता है आज 25 PV का ऑर्डर कर दे, फिर 10 PV का ऑर्डर कर दे, फिर 10 PV का ऑर्डर कर दे, मल्टीपल इनवॉइस 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक अगर आप 50 PV करते हैं तो आपको 1 टिकट मिलेगा, और ये 1 टिकट आपको 10 का दम लकी ड्रॉ में जाने का मौका देगा। और हम सब जानते हैं कि 50 PV का जमाना चला गया, अभी 100 PV क्लब चलता है, हम सब लोग 100 PV ड्राइव करते हैं, आपकी टीम भी 100 PV ड्राइव करती है, और हम तो देख रहे हैं कि लॉयल्टी एक्सप्रेस के अंदर ज्यादा लोग भी 100 PV के साथ आ रहे हैं, और जब टीम में 100 PV के साथ लॉयल्टी होता है तो 100% लॉयल्टी काउंट होता है, उनको भी फायदा होगा। तो अगर 50 PV कोई करते हैं 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में, उनको मिलेगा 1 टिकट, लेकिन आप कहते हैं जी मल्टीपल इनवॉइस है, मैं 100 PV करूंगा, तो अगर आप 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में 100 PV करते हैं, आपको 1 नहीं 2 नहीं आपको 3 टिकट मिलेंगे, लेडीज एंड जेंटलमैन, लकी ड्रॉ में जाने का मौका, और आपको 3 टिकट का मौका मिलेगा, आप 3 टिकट लेंगे। आप कहते हैं जी मैं तो 200 PV करूंगा, तो क्या होगा, तो आपको 6 मिल जाएंगे टिकट। मैं काफी ऐसे लोगों को जानता हूं जो बल्क शॉपिंग करते हैं, बल्क परचेसिंग करते हैं, उनका कस्टमर बेस बहुत बड़ा है उनके पास, हालांकि इस प्रोग्राम के थ्रू उनको ज्वाइन जरूर कर पाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कोई 300 PV का अपने MCA नंबर पर ऑर्डरिंग करते हैं तो क्या होगा, 9 टिकट मिलेंगे। और हम सब जानते हैं जितना ज्यादा टिकट हमारे हाथ में होता है जीतने का चांस भी उतना ज्यादा होता है, सिंपल गणित है, सिंपल मैथमेटिक्स, जितना बार मेरा नाम पहुंचेगा लकी ड्रॉ की बास्केट के अंदर उतनी ज्यादा चांसेस होंगे मेरे विन करने के, और अगर टिकट नहीं होगा तो क्या चांस होगा, तो चांस 0 होगा, और अगर टिकट नहीं है मेरे पास तो बिल्कुल वैसी सिचुएशन है कि मैं क्रिकेट देख रहा हूं और मुझे खेलना आता है और कोई पिच पर बैट चला रहा है और मैं कह रहा हूं अरे यार ये लेफ्ट मार देता अगर तो 6 लग जाता। मैं काफी ऐसे लीडर्स को जानता हूं जो कह रहे हैं कि हम सिर्फ इसलिए टिकट लेंगे कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे पता नहीं, मजा आएगा जब लकी ड्रॉ अनाउंस होगा तो थ्रिल होगा, एक्साइटमेंट आएगा, वो मजा भी है, 50 PV का घर का सामान भी है, और अगर मैं 100 PV करता हूं 3 टिकट लेता हूं तो जीतने के ज्यादा चांस भी है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन मैं आपको बता दूं 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में पूरा हिंदुस्तान दौड़ेगा, पूरा हिंदुस्तान दौड़ेगा, क्योंकि गिफ्ट कम नहीं है, जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है और गिफ्ट बहुत अट्रैक्टिव है। क्या गिफ्ट है आइए मैं आपको बताता हूं। जब आप 50 PV करके 1 टिकट लेंगे, 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में 100 PV करके 3 टिकट लेंगे, 200 PV करके 6 टिकट लेंगे, आप लकी ड्रॉ में जाएंगे, तो लकी ड्रॉ जब निकलेगा तो आपको मालूम है वहां क्या है, वहां पर 10 स्मार्ट TV निकाले जाएंगे, 35,000 रुपए का स्मार्ट टीवी, और ऐसे 10 TV होंगे, 20 मोबाइल फोन होंगे 11,000 रुपए, 40 समीर मोदी वॉच कॉम्बिनेशन होगा 5,500 रुपए का, और 1,500 लोगों को मोदी के बास्केट जीतने का मौका मिलेगा, और ये बास्केट में बहुत बढ़िया बहुत पावरफुल है, वेल नॉनी जूस इसके अंदर है, फ्रूट ऑफ द अर्थ CTC टी लीफ इसके अंदर है, सैलोन प्रोफेशनल एडवांस फॉर्मूला हेयर फॉल शैम्पू इसके अंदर है, ब्योन ब्लूस के अंदर है, वॉश विद पॉपुलर डिटर्जेंट पाउडर्स के अंदर है, वंडर ड्रॉप एडवांस के अंदर है, ये सब वो प्रोडक्ट है जो आपके मन पसंद है, आपकी चॉइस के प्रोडक्ट है, एक बढ़िया बास्केट और 1500 बास्केट है, 1500 बास्केट, और मैं लाइफ में बड़ा पॉजिटिव हूं, मुझे मालूम है कि यहाँ पर बास्केट नहीं देख रहे हैं,
ये 10 स्मार्ट टीवी हमारे हैं, ये मोबाइल हमारे हैं। इस थॉट के साथ खेलिए, इस थॉट के साथ 10 कदम शुरू कीजिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपका तीसरा पावरफुल प्रोग्राम है, और ये पावरफुल प्रोग्राम आपको एक ऐसा महीना देता है, एक ऐसा पावरफुल मंथ देता है जुलाई का, जहां मॉनसून में हर कोई भीगेगा, हर कोई सेलिब्रेट करेगा, हर कोई एंजॉय करेगा, क्योंकि 10 के दम के साथ आपकी टीम में लोग ज्यादा ज्वाइन करेंगे। 10 के दम के साथ 100 PV का लॉयल्टी एक्सप्रेस ज्यादा लोग करेंगे, और जब ज्यादा लोग लॉयल्टी करेंगे, ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, अगर आप डायरेक्टर हैं और आपकी टीम में, आपकी आपकी पर्सनल टीम में 17 लोगों ने भी अगर 10 कदम क्वालिफाई किया या लॉयल्टी एक्सप्रेस क्वालिफाई किया विद 100 PV, आपका PGPV हो जाता है। आप सीनियर डायरेक्टर हैं, आपकी टीम में 15 लोग भी अगर 100 PV से लॉयल्टी एक्सप्रेस या 10 कदम में पार्टिसिपेट करेंगे, आपका PGPV हो जाएगा। और अगर आपकी टीम में ऐसे 17 लॉयल्टी करने वाले या 15 लॉयल्टी करने वाले डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर आएंगे, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका LPB लैग बन जाएगा। तो हर किसी के पास पर्पस है, हर किसी के पास जीतने की संभावना है। तो 1 से 10 तक बड़ा पुश कीजिए लॉयल्टी के लिए, बड़ा पुश कीजिए 10 के दम के लिए। तो अगर आप कहते हैं कि साहब मुझे तो डायरेक्टर हो, मुझे रुपया कमाना है दुष्यंत जी इस महीने, मुझे बताइए करना क्या है, ये कमाना है मुझे 200 रुपीज से ज्यादा इनकम, तो मैं आपको बोलूंगा बड़ा सिंपल है साहब, 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में 17 लोगों को लॉयल्टी और 10 कदम का फायदा करवा दीजिए। लॉयल्टी भी क्वालिफाई कर लेंगे और 10 कदम का टिकट भी ले लेंगे, और आपका भी वो 45,000 PGPV हो जाएगा। आप सीनियर डायरेक्टर हैं तो अपनी टीम की लिस्ट बनाइए और शुरू हो जाइए 10 कदम क्वालिफाई करवाने में। और 45,000 क्यों, क्या हम 15 ही लोगों को लॉयल्टी करवाएंगे? मैं तो ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो 40 लोगों को लॉयल्टी क्वालिफाई करवाते हैं। इमेजिन कीजिए आप सीनियर डायरेक्टर बनते हैं और 40 लोग LPB क्वालिफाई करते हैं, इमेजिन व्हाट वुड बी योर इनकम, हाईएस्ट एवर इनकम। दिस इज द पावर ऑफ दिस मंथ एंड दिस इज द पावर ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत एक्साइटिंग मंथ है, बहुत पावरफुल मंथ है, बहुत सॉलिड मंथ है, और सबके लिए सब कुछ है। प्रोग्राम 1 डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर के लिए है, प्रोग्राम 2 ED to Platinum यानी LPB लैग के लिए है, प्रोग्राम 3 सब न्यू जॉइनिंग और लॉयल्टी के लोगों के लिए है जो लकी ड्रॉ में जाएंगे और 10 कदम करेंगे। इस पावरफुल 3 प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन के साथ देयर वुड नॉट बी एनी चांस दैट जुलाई विल बिकम योर हाईएस्ट एवर इनकम। आपकी जिंदगी का, आपके करियर का, आपके आजादी ड्रीम का ये महीना हाईएस्ट इनकम होगा, ऐसा मैं विश्वास नहीं करता, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं नहीं देता, ऐसा मैं कॉन्फिडेंस लेकर चल रहा हूं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मॉनसून के लिए। इंद्रदेव जब बारिश करेंगे, समीर सर ने आज कर दिए, तो आइए आजादी का जश्न मनाते हैं और एक बहुत बढ़िया जुलाई का महीना मनाते हैं। सबके लिए एंजॉय, सबके लिए खुशियां, बहुत सारा रुपया। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं फॉर हैविंग ए सुपर्ब एंड वंडरफुल मंथ दिस ईयर। एंड नाउ हैंड ओवर टू सुरेखा मैम नाउ। थैंक यू सुरेखा जी, थैंक यू सो वेरी मच सर, दिस इज फैंटास्टिक सर, प्लीज स्क्रीन शेयर बंद कर देंगे। यस सर, परफेक्ट सर, बहुत बढ़िया, अमेजिंग सर। मोदी केयर तो ले आया है सचमुच, बहुत बहुत कुछ ले आया बरसे ही, मतलब बारिश अभी हमारे नॉर्थ इंडिया में शुरू हुई है या नहीं हुई है, पैसे की बरसात डेफिनेटली होने वाली है। और जैसे लगान में हुआ था ना, 3 गुना लगान भी माफ हो गया और है ना जो है बारिश भी हो गई, बस हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि एक तरफ यहाँ पे बारिश हो जाने वाली है, दूसरी तरफ यहाँ पैसे की बरसात होने वाली है। और सर सबसे बड़ी बात की इसमें जो बेसिक अभी हम करेंगे इस मॉनसून बोनांजा के चलते, वही बेसिक से जिंदगी भर पैसे की बारिश होती रहेगी। आज जो भी हम करेंगे, जितने बेसिक्स पे प्रमोशन आया है
ये खाली बात कुछ हजारों रुपए की नहीं है, ये बात खाली एलपीबी लैक की नहीं है, ये बात खाली पीजीबीवी की नहीं है, राइट बिहेवियर सेट करके इसी काम को करके हम जिंदगी भर हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा कमाएंगे। ये आपने बहुत ही खूबसूरती से बता दिया सर, और इतने शॉर्ट नोटिस पर आप आए हैं, आपने हम सबको ये है ना सारी बातें इतनी क्लैरिटी के साथ बताई। किशन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच श्वेता मैम, ऑल द बेस्ट टू यू एंड ऑल द बेस्ट टू एंटायर टीम एंड हैव अ ग्रेट वंडरफुल मंथ ऑफ जुलाई। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। वाओ फ्रेंड्स, सिर्फ एक घंटे के नोटिस पे दुष्यंत जी आ गए, नॉर्थ इंडिया हेड। सिर पे चढ़ी हो सकती है सफलता, कह सकते हैं कि भैया मैं तो मेरे इलाके का राजा हूं, मैं एक घंटे के नोटिस पे नहीं आता, मुझसे 10 दिन 15 दिन पहले अपॉइंटमेंट लो। बट इसको कहते हैं मोदी गियर का अटूट बंधन, इसको कहते हैं मोदी गियर का ऑल आउट सपोर्ट। सारा का सारा, पूरा का पूरा मोदी केयर एंड मोदी केयर के ड्रीम टीम, समीर मोदी जी, राहुल शंकर जी, प्रशांत प्रेम जी एंड हमारे सारे के सारे ऑफिसर्स इतने डेडिकेशन के साथ, इतने पैशन के साथ आपकी सक्सेस के लिए काम करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जितने भी गेस्ट आज अभी भी इस मीटिंग में बने हुए हैं, मैं एक सवाल पूछती हूँ, अगर आप दुष्यंत अश्री जी जैसे किसी इतने हाई प्रोफाइल ऑफिसर को आप हायर करना चाहो तो कितनी सैलरी देनी होगी? या ऐसे ही हमारे लगभग 200 एम्प्लॉई हैं, ये 200 एम्प्लॉई अगर आप हायर करने की सोचो और फिर उनको बैठाने के लिए ऑफिसेज रखने की सोचो और उनको वो ना टीए डीए ये वो सब कुछ उनका करो, तो आपको कितनी सैलरी देनी होगी? और फिर इस लॉकडाउन में अगर आपने मान लीजिए आपके पास इतना बड़ा बिजनेस होता भी, आपने इन लोगों को रख रखा होता, तो सैलरी तो देनी पड़ती है, और लॉकडाउन में आपके पास तो कोई बिजनेस नहीं आता नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो क्या आपका बिजनेस कहाँ चला जाता? गुड न्यूज ये है कि हमें पैसा नहीं लगाना है, गुड न्यूज ये है कि ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें सेट नहीं करना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कर नहीं रहा। समीर मोदी जी हैं, मोदी केयर है, जो हमारे लिए ये काम कर रहा है, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो कोई और कर रहा है, हमें सिर्फ इतना समझदार बनना है कि हमें उस इन्वेस्टमेंट को यूज करना है। जो प्रमोशंस भी अभी आए हैं, करोड़ों रुपया कंपनी खर्च करने को तैयार है, करोड़ों रुपया खर्च करेगी, हमें समझदारी ये करनी है कि कितना ज्यादा पैसा मैं मेरी टीम में लेकर के जा सकता हूं। तो हम हर किसी को अगले 2-3 दिन अपनी टीम में छोटी छोटी मीटिंग्स करके सबको ये क्लैरिटी दीजिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा वो कमा सकते हैं। और फिर जो पैसा कमाने वाले हैं वो पीजीपीवी पे कमाने वाले हैं। पीजीपीवी मतलब क्या? पीजीपीवी मतलब लोगों से बात कीजिए, लोगों को इनवाइट कीजिए, लोगों को परिवर्तन में लेकर के आइए, लोगों को इस बिजनेस में क्या क्या सपने पूरे हो सकते हैं वो सपने पूरे करना बताइए, उनको दुकान बदलने के लिए बताइए, उन्हें प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन में लाइए, उनका ऑर्डर बनवाइए। जब आप जिस किसी को भी इस बिजनेस में लाओगे, वो भले किसी भी शहर में बैठे हैं, वो अपना ऑर्डर बना करके मोदी केयर में डालेंगे, वो सारा का सारा आपका पीजीपीवी में शामिल होगा। और ऐसा पीजीपीवी आपका हो गया तो आपको इनाम मिलेगा। और एलपीबी लैक क्या? जो गेस्ट है आपको सिर्फ इतना समझना है, एलपीबी लैग मतलब जिन लोगों को आप लाए हो उनको थोड़ा डेवलप होने में मदद करो, और मदद करने के लिए कौन सा आपको पहाड़ खोदना है? आप हम ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं, ऑफलाइन मीटिंग करते हैं, आपके पास रोज की रोज मीटिंग्स के लिंक आ जाते हैं, आप उन मीटिंग्स में उन ट्रेनिंग्स में अपने लोगों को लेकर के आइए, आप भी बैठिए, गर्दन हिलाइए, पॉजिटिविटी रखिए, नोट्स बनाइए, ताली बजाइए, सीखिए, सिखाने की दृष्टि से सीखिए, और वो भी यही काम करेंगे। तो कहते हैं ना कि जैसे 2-4-5 बच्चे पुराने जमाने में एक साथ बड़े हो जाते थे ना, हमारे बिजनेस में भी कब में कब सब बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता, सब एक साथ ही बड़े होते हैं। पर पहले खुद तो बड़े होना होता है, पहले सोच तो बड़ी करनी होती है, तो बस इतना सा ही करना है, बाकी हम डेली बेसिस पर आपके साथ बने हुए हैं। देखो 1.25 करोड़ रुपया महीना कमाना तो मैं भी सिखा सकती हूँ, और जो लोग इन मीटिंग्स में आपको सिखाने आते हैं ना, एक एक मीटिंग में नाना करते 3-4 करोड़ रुपया टोटल कमाने वाले लोग बैठे होते हैं जो आपको सिखा रहे होते हैं रोज। 4 करोड़ रुपया महीना कमाने वाला कौन बंदा है? आज अगर मेरा फिटनेस ट्रेनर आता है तो वो महीने में कितना कमा लेते होंगे? 1 लाख रुपया महीना कमा लेते होंगे। मेरी मदर इन लॉ का फिजियोथेरेपिस्ट आता है तो महीने का कितना कमा लेता होगा? 2 लाख रुपया कमा लेता होगा। या इन ऑनलाइन मीटिंग्स में जो छोटा सा चुप करके आपके पास लिंक आ जाता है ना मोबाइल पे, वो 3-3-4-4 करोड़ रुपया कमाने वाले लोग आपको सिखा रहे हैं, तो आपकी सफलता तो बनती है। और वैसे भी कहा जाता है आपकी जिंदगी में जो टॉप 5 लोग होते हैं ना, उनकी इनकम का एवरेज आप कमाते हो। तो भैया मान लो आप इसको जानते हो वो भी ज्यादा नहीं कमाता, इसको जानते हो वो भी नहीं कमाता, इसको जानते हो वो भी नहीं कमाता, इसको जानते हो वो भी नहीं कमाता, ये 65,000 करोड़ का मालिक है, तो आपका एवरेज तो बढ़ गया। दोस्तों पैसे वाले लोगों के साथ, सक्सेसफुल लोगों के साथ, ग्रेट लोगों के साथ, दूसरों की मदद करने की चाहत रखने वाले लोगों के साथ एसोसिएशन करना तो बनता है। और फिर ये जो छोटे छोटे ऑफर्स आते हैं ना, इन ऑफर्स को ऐसे लेना है जैसे डू और डाई। ये बात 5,000-6,000 रुपए की नहीं है, बात ऐसी है कि बस अगर ये मैं मतलब ये मेरा लकी चार्म है, अगर मैंने ये 6,000 रुपए एक्स्ट्रा नहीं कमाया तो भैया मैं मेरे मम्मी पापा की बेटी नहीं। मैं अपने आप को ऐसे चैलेंज दे देती हूँ कि तो मैं कमा के रहूंगी, ये तो मेरा लकी मनी है। भले फिर उसको उठा के लॉकर में रख देना है कि जब तक करोड़ों रुपया नहीं आ जाए, पर कमाना जरूर है। ये अब इस जितने भी प्रमोशन आते हैं ना, इनको डू और डाई एटीट्यूड के साथ ले लेना है, इनको अपनी आन बान शान समझ लेना है।
और यही अपनी टीम को सिखाना है, और फिर देखिए जादू होता चला जाएगा। तो जितने भी गेस्ट हमारी आज की मीटिंग में थे, आपको थोड़ा ए बी सी डी के अलावा हमने एल एम एन ओ पी भी बता दिया, पर कोई बात नहीं, पहले दिन तो वैसे भी सब ऊपर से निकलता है, इतना पता होना चाहिए। बहुत बड़ी टीम है जो आपको मदद करने को तैयार है। अपने अंदर झांक के देखिए, बाहर की बात इंपॉर्टेंट नहीं रखती, अपने अंदर झांक के देखिए। तो सपने हैं पूरे करना चाहते हो, किसी की मदद मिले तो कर गुजरोगे, पाना चाहते हो, कैसे करोगे नहीं पता, पर क्या पाना चाहते हो, तो दिल पे हाथ रखो, दिल की सुनो, जिसने आपको इस मीटिंग में बुलाया था, इनवाइट किया था, उनको कॉल करो, उनको थैंक यू बोलो, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजो, अपने ड्रीम्स की लिस्ट भेजो, और कल हमारे पास 6:30 बजे सेम लिंक सेम आईडी पासवर्ड के साथ ज्वाइन कर सकते हो। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां हम दुष्यंत अश्री जी के लिए बजाते हुए, हमारे सारे के सारे प्रेजेंटर्स के लिए बजाते हुए हम आज की मीटिंग एंड करना चाहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।